हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है पप्पू। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों का सिखा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वॉच टाइम के बारे में। दोस्तों ठीक है, मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा, आप मोबाइल से भी वॉच टाइम पूरा कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल से पूरा वॉच टाइम पूरा करो, लेकिन उसमें एग्जैक्ट थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा वॉच टाइम का सेटअप है। दोस्तों मैं भी वॉच टाइम प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर मैं 4,000 का ऊपर वॉच टाइम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी मुझसे वॉच टाइम ले सकते हैं, सब्सक्राइबर भी ले सकते हैं, डॉलर ट्रिक भी ले सकते हैं, सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताऊंगा मोबाइल से, ठीक है, मैक्सिमम आपका 4 GB का मोबाइल होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका प्रोसेसर अच्छा हाई स्पीड का है तो लगातार आप काम कर सकते हैं मोबाइल पर। ठीक है, तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपका वॉच टाइम भी गेन होगा दोस्तों। ठीक है, प्लस आपका जो व्यू आएगा वीडियो पर व्यू भी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आपको वॉच टाइम चाहिए दोस्तों, ठीक है, पेड मोनिटाइजेशन करके चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो जाएगा आपको। यहाँ पर पूरा सेटअप है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी वीडियो चल रहा है। ठीक है, एक यूट्यूबर का वीडियो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 PC में लगाता हूँ, एक दिन में 2500 घंटा वॉच टाइम देता हूँ, मैक्सिमम 2 दिन में 5,000 देता हूँ, 4,000 का ऊपर देता हूँ वॉच टाइम, 1,000 ज़्यादा देता हूँ कि मॉनिटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक में वीडियो चालू करते हैं, मैं मोबाइल से वॉच टाइम कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, वीडियो में व्यू भी आएगा और वॉच टाइम भी आएगा। ठीक है, वीडियो का लास्ट वीडियो जरूर देखना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आप वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मैं अभी मोबाइल का स्क्रीन मार कर वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जौन सा वीडियो को मैं वॉच टाइम में आप व्यू बढ़ाऊंगा, सबसे पहले उस वीडियो को कॉपी कर लूँगा, वीडियो का लिंक को। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मेरे एक चैनल है, तो इस वीडियो को जिसका भी मैं वॉच टाइम बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक वीडियो डाला था माइक्रोटेक का, ठीक है, यहाँ पर 550 व्यू है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लिंक को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, आप व्यू देख लीजिए, यहाँ पर व्यू भी बढ़ेगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, 550 व्यूअर, ध्यान से देख लीजिए। इसको लिंक कॉपी करने का बाद दोस्तों, ठीक है, एक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन है दोस्तों, वो मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले चलिए उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद क्या क्या करना होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन आया दोस्तों। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर जो देख रहा है ऑप्शन एक ऐड आएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन बहुत याद आता है, चलिए इस ऐड को स्किप कर देता हूँ मैं जल्दी से। तो ऐड खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 3 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर यूज दिस ब्राउजर विथ आर्ट व्यू ऑन ऑल स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर का वाला है उसको आपको ओपन करना होगा। ठीक है, तो होम में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इतना स्क्रीन ओपन हो गया है मैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर एक एक वीडियो को आप अलग-अलग वीडियो भी यहाँ पर चला सकते हो। तो एक वीडियो को एक साथ चलाना है तो क्या करना होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दोबारा से इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका एक ही स्क्रीन में पूरा वीडियो आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप यूट्यूब पर जो ऑटो रिफ्रेश का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जौन सा वीडियो का आपका वॉच टाइम है व्यू बढ़ाना है ना, उसको लिंक कॉपी किया मैंने जो अभी कॉपी किया है ना, तो यहाँ पर कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश का एक ऑप्शन आ रहा है ना। तो ऑटो रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका अगर 4 मिनट का वीडियो है ना, तो ऑटो रिफ्रेश आप 3 मिनट का कर सकते हो, 3 मिनट का बाद ऑटोमेटिक और रिफ्रेश हो जाएगा वीडियो जितना भी आपने लगाया है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाने के लिए सिर्फ मैं 1 मिनट का ऑटो रिफ्रेश लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक कीजिए। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब सारा जितना भी विंडोज़ है यहाँ पर ओपन हो जाएगा हमारा, जितना भी ब्राउज़र है। ठीक है, यहाँ पर सब भी हमारा वीडियो चलने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो चालू हो रहा है। आपका जैसा नेट का स्पीड रहेगा दोस्तों ऐसा ही आपका वीडियो चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल का भी स्पीड होना चाहिए दोस्तों। अगर मोबाइल आपका अच्छा हाई प्रोसेसर का है ना, तो जल्दी से ये काम हो जाएगा आपका, और आपका नेट का स्पीड भी बहुत अच्छा है ना, तो वो भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जितने भी टैब है ना, सब में मेरा वीडियो चल गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साउंड ऑफ करा है। ठीक है, तो जितना भी एड है वीडियो है हमारा, सब टैब में चल गया है हमारा। चलिए इस वीडियो को 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में लगे रहे आप।
और इसका व्यू भी बढ़ेगा दोस्तों। मैं तो आपको दिखा दिया था, जो वीडियो का मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी पेस्ट किया है उस वीडियो का व्यू कितना था, 550 व्यू था, ठीक है। उसको भी मैं लाइव करके दिखाऊंगा अभी, व्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो सारा टैब में हमारा ओपन हो गया है, वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो एक मिनट का बाद ऑटोमेटिक और रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ऑटो रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। एक मिनट का टाइम दिया था वहाँ पर मैंने, एक मिनट के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका जैसा वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर आपका दो मिनट का वीडियो है ना, तो आप एक मिनट या दो मिनट का भी ऑटो रिफ्रेश कर सकते हो, दो मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा वीडियो को, ठीक है। तो अगर नेट का स्पीड हाई है आपका तो बहुत ही अच्छा है, आप जल्दी से काम कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तो इसका जो व्यू था दोस्तों मेरा 550 व्यू था, ठीक है। तो देखते हैं व्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर व्यू भी बढ़ेगा दोस्तों, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, आपको कंटिन्यू यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 20 से कर देता हूँ उसको। देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने के बाद दोबारा वीडियो हमारा चालू हो गया जितना भी टैब है। तो चलिए इसको 20 से कर देता हूँ, कटने के बाद चलिए मैं वाइट स्टूडियो में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वाइट स्टूडियो में मैंने इस वीडियो को लगाया था दोस्तों, माइक्रोटेक का 550 व्यू है। चलिए यहाँ पर तो अपडेट नहीं होगा, इसका एनालिस में देखते हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 580 व्यू आ गया हमारा, ठीक है। लगभग हमारा व्यू अभी 20 व्यू तक बढ़ गया, ठीक है। इसमें और भी अपडेट आएगा, ठीक है। यहाँ पर और व्यू बढ़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, 583 हो गया, ठीक है। यहाँ पर व्यू बढ़ेगा, वहाँ पर जितना रिफ्रेश करूँगा मैं उतना व्यू बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रिक का मदद से आप व्यू भी बढ़ा सकते हो और वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और जो मैं पेड मोनिटाइजेशन करता हूँ ना, ठीक है, जो मेरा पेड मोनिटाइजेशन है दोस्तों, उस पेड मोनिटाइजेशन का भी आप ले सकते हो कोर्स मेरा, ठीक है। वॉच टाइम मैं पूरा प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर, पूरा वॉच टाइम देता हूँ वहाँ पर। तो आप वहाँ से मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और इस ट्रिक का मदद से दोस्तों यहाँ पर आपका व्यू वॉच टाइम दोनों इंक्रीज हुआ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर नेट भी आपका डेली का 2 GB 5 GB खा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते 588 व्यू हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जितने भी वीडियो हमें चलेगा यहाँ पर देख सकते 591 व्यू होगा। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वैसे वैसे व्यू बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आप रिफ्रेश करेगी वैसे आपका व्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, ठीक है, चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को आप लास्ट ऑफ दी जरूर देखना और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश करने के बाद मेरा 594 व्यू आ गया, ठीक है। 550 से 500 यहाँ पर हमारा व्यू है, हमारा 40-50 बढ़ गया, ठीक है। चलिए इस एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए मल्टी ब्राउज़र टूल्स, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम हुआ मल्टी ब्राउज़र टूल्स, उसको आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रथम ब्राउज़र आएगा, प्रथम जो ऐप्स आएगा ना, उस ऐप्स को आपको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप्स का लोगो क्या है सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक से देख लीजिए। इस ऐप्स को आप ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप इस ट्रिक की मदद से वॉच टाइम आप व्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मोर अपडेट।